नमस्कार दोस्तों, दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल का आया तूफान और जड़ दिया अपने करियर का पहला टेस्ट का दोहरा शतक। और भारत ने पहली पारी में बनाए इतने रन और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव का आया तूफान और इंग्लैंड की टीम को भारत ने किया केवल दो सेशन में ही ऑल आउट और भारतीय टीम ने भी दूसरी पारी की शुरुआत की। तो कितने रनों की भारत के पास अब तक बढ़त हो चुकी है और क्या रहा दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारत ने टॉस जीतकर कल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही थी। जायसवाल और रोहित ने भारत को 40 रनों की पार्टनरशिप का योगदान दिया था। फिर रोहित शर्मा 14 रन पर आउट हो गए थे। फिर उसके बाद गिल और जायसवाल के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई और दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 89 रनों का ही योगदान दिया। और फिर उसके बाद गिल 34 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर अय्यर और जायसवाल भारत को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और अय्यर और जायसवाल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और जायसवाल दूसरे छोर पर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और लंच से पहले अय्यर भी आउट होकर 27 रन पर अपना विकेट दे देते हैं। और भारतीय टीम फिर टी ब्रेक के बाद काफी अच्छी बल्लेबाजी फिर से करती है और जायसवाल पहले ही दिन 150 रनों का आंकड़ा भी छूने में सफल रहते हैं और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 336 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है और जायसवाल पहले दिन 179 रन पर नाबाद रहते हैं। फिर उसके बाद आज भारतीय टीम फिर से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरती है। जायसवाल और अश्विन फिर से पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन अश्विन तो 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल चौका लगाकर 277 गेंदों पर अपना दोहरा शतक जड़ते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, जिस वजह से जायसवाल को चौके छक्के लगाने की वजह से अपना विकेट 209 रन के स्कोर पर गंवाना पड़ा और भारत ने पहली पारी में 396 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। और वहीं इंग्लैंड की टीम की तरफ से एंडरसन, शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 3-3 विकेट चटकाए और जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी के लिए मैदान पर उतरती है और इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रहती है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज 6 की रन रेट से ताबड़तोड़ रन बनाते हैं और 50 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच होती है। लेकिन तभी कुलदीप यादव बेन डकेट को 21 रन के स्कोर पर आउट करके 59 पर पहला झटका इंग्लैंड को देते हैं। फिर उसके बाद जैक क्रोली और ओली पोप के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी अक्षर पटेल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे क्रोली को 76 रन के स्कोर पर आउट करके 114 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा झटका देते हैं। फिर उसके बाद जो रूट भी आते ही बुमराह का शिकार हो जाते हैं और 5 रन पर पवेलियन लौट जाते हैं और 123 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह एक खतरनाक यॉर्कर से ओली पोप को भी 23 रन पर पवेलियन भेज देते हैं और 136 रन पर इंग्लैंड की टीम के 4 विकेट गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद बैरिस्टर और स्टोक्स के बीच पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी बैरिस्टर भी बुमराह का 25 रन पर शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद फोक्स आते हैं, वो भी 6 रन पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और कुलदीप यादव फिर उसके बाद रहन अहमद को भी 6 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम के 182 रन पर 7 विकेट गिर जाते हैं। बेन स्टोक्स दूसरे छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी बेन स्टोक्स को बुमराह 47 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और 229 रन पर इंग्लैंड को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद टॉम हार्डली भी 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अंत में जेम्स एंडरसन को जसप्रीत बुमराह LBW आउट करके इंग्लैंड की टीम को दो सेशन में ही आज भारतीय टीम 253 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है और भारत के पास 143 रनों की बड़ी बढ़त हो चुकी थी। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा और जायसवाल फिर से पारी की शुरुआत करते हैं और दूसरी पारी में भारतीय टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 28 रन बिना विकेट नुकसान खोए बना लेती है और भारतीय टीम ने अब दूसरे दिन 5 ओवर खेले थे और रोहित शर्मा 13 और जायसवाल 15 रन बनाकर खड़े थे और भारत के पास 171 रनों की बड़ी बढ़त हो चुकी थी। और अब इस मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम से काफी आगे निकल चुकी है और उम्मीद है कि भारतीय टीम पिछले मुकाबले की कोई भी गलती नहीं दोहराएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।